जो भाई ये कहते ना मैं तो 200 की स्कॉट मार दूं, 250 की मार दूं, गांड फट जाएगी, ये वाला वर्कआउट कर लेना। पूरी फॉर्म करा आ जा। अरे भाभी से मालिश करवा लियो पैरों की। मालिश तो करवा तो पहुंचना शादी करेगा साले। सिंगल क्लब छोड़ेगा, सिंगल क्लब छोड़ेगा, चल मैं तोड़ेगा इसे। कहाँ लगा रखा डंबल, चल चल कर दिखाते वहां तक। Hey everybody, welcome back to the channel. This is me, Rajveer Sisodia. And guys, आज हम हैं टाइगर भाई के जिम में और यहाँ जो वर्कआउट होने वाला है वो बहुत खतरनाक होने वाला है, रॉ वर्कआउट होने वाला है। मैं आया था मेरा शोल्डर वर्कआउट करने, तो शोल्डर वर्कआउट ही करूंगा क्योंकि लेग्स वर्कआउट मैंने अभी 3 दिन पहले किया है। और यहाँ मिला है हमें पंकज भाई। पंकज भाई कह रहे हैं कि भैया हम तो आए थे वर्कआउट करने लेग्स का, लेकिन टाइगर भाई है नहीं, तो राजवीर भाई आप हमें लेग्स वर्कआउट करवा दो। तो लेग्स वर्कआउट करवाएंगे पंकज भाई को, बहुत तगड़ा वाला रॉ रखेंगे। 600 रैप का वर्कआउट है ये भी, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था शोल्डर का 600 रैप, ऐसे ही करेंगे लेग्स का 600 रैप। लेकिन इसमें अलग होने वाला, उसमें 600 रैप हमने सिंगल एक्सरसाइज के करे थे, इसमें हम 5 एक्सरसाइज में 600 रैप करेंगे। कैसे करेंगे? एक सेट में 150 रैप है, 4 सेट में 600 रैप है, ठीक है? तो वो देखते रहना कैसे होने वाला है। जो भाई हमारे ये कहते हैं कि हमारे लेग्स ग्रो नहीं हो रहे, या नसें खड़ी नहीं हो रही, या हमारे लेग्स में हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा हम वर्कआउट करते हैं, तो भाई इस वर्कआउट को पहले तो झेल ही ना पाओगे। अगर झेल पाओ तो इस वर्कआउट को ट्राई कर देख लेना 6 हफ्ते। जैसे इस हफ्ते में आपने एक दिन ये करा, अगले हफ्ते फिर उससे अगले हफ्ते फिर उससे अगले, 6 हफ्ते करके देख लेना और रिजल्ट इंच टेप से नाप लेना। ना आपकी थाई 1 से 1.5 इंच ग्रो हो गई, 1-1.5 इंच मसल मास के साथ, तो भाई मुझे कमेंट में आगे गाली दो, तुम्हारा मन करे वो दे जाना। वर्कआउट देखते रहना। और जो भाई हमारे श्रेड होना चाह रहे हैं मेरी बॉडी से, थोड़ा थोड़ा फैट जाना शुरू हो गया क्योंकि मैंने फिर से मेरा वर्कआउट शुरू कर दिया है। जितने भी भाई हमारे लीन होना चाहते हैं ब्रो, वो खाना शुरू कर दो डॉक्टर चॉइस का श्रेड्स प्रो। भाई डॉक्टर चॉइस का श्रेड्स प्रो की सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि हम जब भी कटिंग करते हैं तो बहुत सारे भाई हमारे फैट बर्नर खाना शुरू कर देते हैं या फिर उल्टी सीधी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने मिलते हैं, नींद पूरी नहीं होती। तो डॉक्टर चॉइस के श्रेड्स प्रो में आपको सारी मैट्रिक्स मिल जाती है। इसके अंदर आपको जो इंग्रेडिएंट मिलेंगे, श्रेड मैट्रिक्स इसके अंदर मिलेगी, इंग्रेडिएंट आपको दिख रहे होंगे, एनर्जी मैट्रिक्स आपको दिखेगी, इंग्रेडिएंट आपको दिख रहे होंगे, ब्लोटिंग रिमूवल मैट्रिक्स। जैसे बहुत सारे भाइयों के टमी पे ब्लोटिंग होती है, दारू वारू पीते हैं या फेस पे होती है, तो कुछ टाइम के लिए अपना लाइफस्टाइल ठीक करके इसको लेना शुरू कर दो। 2 कैप्सूल खाने आपको वर्कआउट से पहले, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 टैबलेट 250 से 300 ml पानी के साथ 30 मिनट पहले वर्कआउट से, 15 से 20 मिनट पहले भी खा सकते हो। मैं जो एडवांस लेवल पे लोग हैं ना, मैं 4 खा लेता हूँ, तो आप भी 4 खा सकते हो। जो बिगनर है वो 2 खाएं, ठीक है? 2 सुबह 2 शाम खा लो या 4 एक साथ ही खा लो। मैं 4 एक साथ खा लेता हूँ भाई, क्योंकि मेरा अभी बॉडी अडाप्ट कर लेती है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके जो भी हमारे भाई वेट लॉस करना चाह रहे हैं, कटिंग करना चाह रहे हैं, फालतू की चीज लेने की जरूरत नहीं है। श्रेड्स प्रो अपने रेगुलर रूटीन में यूज कर लो और 4 से 5 हफ्ते यूज करके देखना। ये नहीं कि आपने 10-5 दिन खाया फिर बोलो रिजल्ट नहीं आ रहा। अब फटाफट से सेटअप लगा ले पंकज के लिए, सेटअप लगाना पड़ेगा। सेटअप लगाते हुए तुम्हें दिखा दें क्योंकि रॉ वर्कआउट वीडियो है, देखते रहो। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके तुरंत बाय कर लो। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो बहुत सारे अपडेट्स के लिए। आप यहाँ बहुत सारा प्यार दिखा दो, 3 मिलियन, वहाँ हमारा 1 मिलियन भी नहीं है, तो वहाँ भी थोड़ा सा प्यार दिखा करो। लव यू। चले सेटअप लगाएं, लेट्स गो। वीडियो में बहन जो बनाना था पागल, तेरा मैक्सिमम जो स्क्वाट है, जो भाई ये कहते ना मैं तो 200 की स्क्वाट मार दूँ, 250 की मार दूँ, गांड फट जाएगी, ये वाला वर्कआउट कर लेना। तेरा मैक्सिमम स्क्वाट कितना है? मैक्सिमम कितने रैप मार दिए थे 140 से? पूरा मत बैठे, कोई बात नहीं, जितना बैठे उतना बिठाएंगे। इस पे 2 प्लेट और चढ़ा दो। पच्चीस पचास बच्चों वाला वेट है, एक एक और चढ़ा दो बस। अभी हम सिर्फ सेटअप लगा रहे हैं क्या, ठीक है? आ जा। हाँ 5 एक्सरसाइज है एक सेट में। चल उठवा, आज तो ये कहेगा मजा ही आ गया। गलत आ गया, गलत ना आ गया, अच्छे वर्कआउट के बाद तू कहेगा वाह सही आ गया, सही आ गया। 140 मारी ना तेने, 100 किलो से 10 रैप ना मारने बस। 100 किलो से? हाँ। तो इसमें हमें कितनी प्लेट और चढ़ानी है? और चढ़ा दे, ये 5 वाली खा देते, बड़ी प्लेट वो डालो। हाँ तो भैया अपने पार्टनर के साथ मिलकर सेटअप लगा लेना ऐसे ही। और ले, अच्छा वहाँ है प्ले। हाँ 100 किलो तो चाहिए। ये वो डाली हाँ। 10-10 की डाल, कितनी 15 डाली है क्या? 20 की 10 की डाल।
रोड चुभती है, चुभने का भी जुगाड़ कर लेंगे कुछ, एक दो तीन चार दस रैप मार लेगा इससे। स्ट्रेचिंग या वो करनी है वॉर्म, खाली उससे सिटअप्स कर ले बस, जो हो गया हमारा 100 किलो। तो भाई हर हम हमारे एक से एक एक, एक सेट में ना, हाँ तो तगड़ा सा लग रहा हूँ मैं बंदा, आ रहे मेरे मसल पे यार, मैंने डाइट शुरू कर दी ना एक्चुअली, जंक फूड खाना बंद कर दिया। तो भाई एक एक्सरसाइज हमारी जो पहली एक्सरसाइज है ना, उस पहली एक्सरसाइज में 5 एक्सरसाइज है और उस हर एक्सरसाइज में 30 रैप है, 30 ठीक है। रैप में हम ड्रॉप फैट कर लेंगे, अभी से तू 30 रैप तो नहीं मार पाएगा ना 100 किलो से, तो जितने भी भाई हमारे हैं अपने अकॉर्डिंग वेट लगाना, जितना लगा पाओ उतना वेट लगाना कि 10 रैप में फेल हो जाओ, उसके बाद वेट ड्रॉप करना, फिर 10 रैप, फिर वेट ड्रॉप करना, फिर 10 रैप, इस तरह से 30 रैप देने जाने हमें। तो ये हमारा पहली एक्सरसाइज की पहला सेट है, ठीक है। चलो चलो बेल्ट बांध, बेल्ट बांध दे, हाँ सेफ्टी कम्स फर्स्ट, सेफ्टी इज बेटर देन प्रिकॉशन, इज बेटर देन क्योर। चलो अब क्योंकि मुझे इसकी स्ट्रेंथ पता नहीं है कि स्क्वाट पे कितना वेट मारता है, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा लाइट ही लेके चल रहा हूँ। चल भाई 10 रैप, पैर खोल और खोल, चल 1 2 3 वेरी गुड, 4 वेरी गुड, 5 6 150 रैप होंगे हमारे पूरे, 7 8 वे यार वीडियो बंद कर दी। तो ये हमें एक एक प्लेट उतारी, चल दोबारा 10 रैप हुए, चल जल्दी चल, फिर क्या फायदा, चल 11 12 13 14 15 16 17 18 चल 19 वेरी गुड, 20 रन, चल 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 चल, लौंडा तगड़ा भाई, चल चल आप तो इजी जाएंगे, 1 2 ग्लूट स्ट्राइट कर, ऊपर आ रहा है ना, ग्लूट स्ट्राइट कर, 3 चल, 4 5 6 7 8 9 एक और है 10 वेरी गुड, भाग पंकज, तेरे तेरी माँ के कंगन लाला के पास है, आजा 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 आजा, हंसे मत, सुपर सेट है, नो रेस्ट, रेस्ट करेंगे पूरा 150 रैप मार के, चल वीडियो में नो कट, कोई कट नहीं आएगा, वो तो इन्होंने गलती से बंद कर दी, हम प्लेट उतार रहे, चल ठीक है चल, पूरा नीचे छाती तक ले गया, घुटना 2 3 4 5 6 7 8 चल चल चल, 9 10 तू वहीं रह, चल 50 किलो उतर गया, 20 रैप किसी से मारने, 10 चल, 11 11 12 13 14 15 16 पूरा भी 17 17 17 17 17 18 19 20 5 सेकंड रेस्ट ले लेता, ऐसे रेस्ट लेना नहीं है पर बस क्या भाई आज, चल 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 हो गया 10 रैप हो रहा, चल 1 2 3 4 5 छः चल चल चल, 6 चल, 7 8
9, 10, वेरी गुड, मजा आ गया। 60 रैप हुए अभी, 90 रैप हो रहे, आ जा क्यों थकरा, आ जा जल्दी आ जा पंकज, आ जा, क्या दिक्कत आई? गर्मी आ गई बहुत। चल फटाफट रुक जा 55 किलो है ज़्यादा ना, चल इधर नीचे कर ले थोड़ा, ये कैसी मशीन है, यहाँ लगा ले, चल पंजा है ना, ये पंजा ऐसे आने की जगह है, इसे सामने रख, हाँ पूरे तस्वीर कर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दो प्लेट कम कर रहा हूँ, और मशीन ठीक है, आगे हो चल 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 थोड़ी दया क्या खा लियो, तेल लगाएगा माली थोड़ी है, फिर करवा लेगा, 1, 2 पूरा नीचे जा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई चीटिंग मत कर, 10 रैप हो रहा, चल अभी भी मुझे लग रहा गड़बड़ है थोड़ी सी, गड़बड़ आ गया, चल चल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरी फॉर्म खराब हो रही है, आ जा आजा मुझे ले लो भाई, भाई 90 रैप हुए हैं अभी, 60 रैप हो रहे, आजा मेरे से, आजा अरे 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 भाभी से मालिश करवा लियो पैरों में, मालिश खत्म करो तो पहुंचवा घर, घर में छोड़ जाऊंगा आज, घर छोड़ देंगे, शादी करेगा साले, सिंगल क्लब छोड़ेगा चल रुक जा, सुन अरे इसने स्टोरी डाली के पैरों पे भाभी मालिश करी सरसों के तेल में, मन की ठीक से ही मालिश करवा दो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रुक जा, दो प्लेट कम कर दी, देख कितना सा वेट है, इधर से वेट दिखा दे कितना सा वेट है, चल बोले रहा गैप, चल चल 1, 2, 3 यहाँ रुक डाल, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 हो रहे हैं एक सेकंड, सिंगल प्लेट है, लड़कियों वाला वेट कर दिया वर्मा जी, लड़कियों वाला बेटा एक प्लेट है, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा लड़कियाँ किसी से कमजोर होती है, पर नई बिगनर जो लड़कियाँ होती है ना वो इतना वेट मार देती, इतना पंकज मार गया, इतनी तगड़ी थाई लेकर, चल एक प्लेट है, एक इधर लगा के रख, चल 2, 3, 4, 5 पूरा पैर ऊपर लेकर यहाँ तक, 6, 7, 8, 9, 10 वेरी गुड, आ जा, तो भाई 30 रैप और हो गए, 4 एक्सरसाइज हो चुकी है, अब आता हमारा सुमो, पसीना दे तो कैसा हो गया, आ जा मेरे भाई, आ जा लव यू भैया, 40 का डंबल नहीं है, 40 का ना लो बच गए तुम, 40 का डंबल ना, लास्ट सेट प्यार से निकल जाएगा, चल सुमो चल देखियो, चल मैं सेवा कर रहा हूँ कितनी देरी, बहन जो अपने लिए वेट ना उठाता ऐसे, मैं इतना प्यार
पंकज भाई के लिए बस। चलो पैर बस ठीक है, चल पूरा नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 आराम से जा, 8 9 10 ले भाई मेरे सब ध्यान से देख लो, मैं तो फंस गया, अकेले लगा दी, अकेले ना लगा किसी पे भी, जब तक कोई सिर पे खड़ा होकर अपना गिनने का नहीं कर पाएगा कोई भी। चल आराम से कर लेंगे, रेस्ट ले लेंगे, अकेले नहीं कर पाएगा कोई इंसान, ये सोचा कि मैं जिम जाऊंगा आज ये वाला परफॉर्म करूंगा, नहीं कर पाएगा अकेले। 1 2 3 4 20 मार दे पूरे, 5 6 7 8 9 10 मैं तोड़ेगा इसे, कहाँ लगा रखा डंबल, चल 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक रैप छोड़ दिया, अब यहाँ से स्टूडियो तक दौड़ के जा, यहाँ से स्टूडियो तक दौड़ के जा, दौड़ के चल कर दिखाते वहां तक। अबे एक्टिंग ज्यादा कर रहा सच में, हो रहा नहीं, चार तीन सेट हो रहे हैं अभी, ऐसे अभी तीन सेट हो रहे हैं, आराम से करेगा। अच्छा बहुत सारे भाई ना हमारे क्या करते हैं, लेग्स मार लेते हैं, काफ्स को इग्नोर कर देते, तो भाई मेक श्योर काफ्स को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि बहुत से भाई मैंने ऐसे देखे हैं कि ऊपर से तो लेग्स अच्छे होते हैं लेकिन काफ्स बहुत पतले होते हैं, तो जब आप ये पूरे कर लो ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह से आपने चार सेट करना है, बिल्कुल शुरू मत करना, सच का सच बता रहा हूँ, मैंने करा हुआ है, मैं भाई जो वर्कआउट करवाता हूँ वो मैं जो आज से 6-6 साल पहले कर चुका हूँ ना, वो वर्कआउट करवाता हूँ किसी को भी, तो मैंने सारे वर्कआउट करे हुए हैं, मैं सारों में पका पड़ा हूँ इनमें, क्योंकि मैंने लेग्स अभी परसों ही करे, मेरी सोरनेस खत्म नहीं हो रही, वरना मैं भी परफॉर्म करके दिखाता, कहोगे तो अगली बार दिखा दूंगा सेम वेट से सेम ये परफॉर्म करके, तो एकदम से मत करना भाई, बैंड बच जाएगी, एक दो बार पहले अपना अच्छा रूटीन ले लेना लेग्स का, जैसे आज आपने लेग्स करें फिर अगली बार करें, उसके दूसरी तीसरी बार की बढ़िया करके कि अब आप तैयार हो कि सोरनेस झेल लोगे, इसकी सोरनेस जो ये कैमरा बंद होने के बाद इतना नूना कही भाई छोड़ो ना इतना ना कर रहे, ऐसे नहीं कहा और चार सेट मार लिए तो सोरनेस नहीं जानी 10 दिन भी, अभी होगा पर नई नई शादी है तो मालिश वालिश करा लेगा, रोज रील डाल रहा है वीडियो डाल रहा है कि भाभी जी जो है मालिश कर रही है सरसों के तेल से, तो इसकी मालिश हो गई सोरनेस खत्म हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मेक श्योर काफ्स इग्नोर नहीं करने, जब इसके सारे सेट खत्म हो जाए तो उसके बाद चार सेट आप काफ्स के जरूर मारना, जिम में मशीन है तो, वरना स्मिथ मशीन मैं कैसे लंगड़ा रहा है ये बेहतरीन वाला नहीं है, जैसे जोर दे रहा हूं पूरी आज लग रही है जैसे आप पत्थर हो गए थोड़ा सा, किसी मेरे भाई को वर्कआउट करना हो मेरे साथ, बहुत सारे भाई इन्फ्लुएंसर मेरे कहते हैं भैया आपके साथ वर्कआउट करना, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आना आपको भी वर्कआउट करवाऊंगा, ठीक है, तो नशे खड़ी एक बार फ्लैक्स करने की ताकत है कि इन्हें फ्लैक्स करने की अभी इतनी ताकत नहीं कि इन्हें टाइट करके फ्लैक्स कर दे, ये यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा टाइट, ये दोनों भाई ऐसी हो जाएंगी जोर मजेदार खड़ा भी ऐसा। अच्छा अब बात आती है रेस्ट पीरियड की, तो ये बहुत हाई इंटेंस हुआ है, तो इसके बीच में आप अगले सेट के, इससे लेके अगले सेट के बीच में आप 5 से 7 मिनट का रेस्ट ले लेना, क्योंकि कोई वो नहीं है कि कभी आप सोचो कि बैंड जो 2 मिनट के रेस्ट पर करना है पूरा कर ही नहीं पाओगे, अब ये पूरा हो गया आराम से बैठो मसल ठंडी होने दो, कम से कम 5 से 7 मिनट का रेस्ट लो उसके बाद दूसरे सेट की तरफ चलो, ठीक है, तो अब दूसरे सेट में आपको मिलेंगे, टिल देन वीडियो में बने रहो देखते रहो। तो भाई ऐसा पिछले 10 मिनट से बैठे हैं और पंकज की लेग्स अभी तैयार नहीं हुए हैं दूसरे सेट के लिए, तो सेट बिल्कुल सेम है, आप अपनी अकॉर्डिंग करना, ये भी नहीं कि टांग ही तोड़ लो या कमर तोड़ लो, लाइट वेट भी करोगे तो भी हो जाएगा, 30-30 रेप बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, मैं इस पे एक सजेशन देना चाहूँगा सभी भाइयों को, देखो आपने जैसे मतलब ऐसे लगातार रेपुटेशन निकलवाया ना बम वोटिंग जैसा लग रहा है जैसे उल्टी हो जाएगी बैक लेग से, बहुत ज़्यादा खींच के लिया हमने, मतलब ये कह रहा हूँ कि यहाँ से जब स्टार्ट करें तो पहले में 30 रेपुटेशन मारे, वेट तो देखो हैवी था ये, तो अपने हिसाब से सेट कंप्लीट सेटिंग करना, अपने हिसाब से करना, रेपुटेशन भी जरूरी नहीं कि 10-10 लगानी, आप कम भी लगा सकते हैं, हाँ तुम्हें ऐसे लग रहा है वेट ज़्यादा हो गया तो आप 10 की जगह 5 लगा लो,
कम करके फिर 10 लगा लो और फिर और कम करके फिर 15 लगा लो या 5-5 करके भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ 30-30 कर लेना पूरे। तो कायदा तो वही है वर्कआउट का, वरना मजा खराब हो जाएगा। और हाँ वेट सच बता रहा हूँ, जैसे मैंने पंकज से पूछा कितने मारिए लास्ट, इसने कहा 140, तो हमने 40 किलो कम करके 100 किलो से पहला सेट लगवाया, 10 रेप 100 किलो से, फिर वेट निकाल के फिर 80 किलो से। इस तरह से आप करना, मैं मालिश कर, और भाई उसकी तो फटली टांग, ये माल के साइड इफेक्ट है भाई, नहीं ये फैक्ट है। अच्छा। जब जो जो माल लगाते ना लोग, उनकी बॉडी जल्दी भरती है। अच्छा। अब अगर तू बिल्कुल 100% नेचुरल हो, बॉडी वॉश कर ले, तू 20 रेप मारेगा तो बहुत प्यार से निकल जाएगा, पंप नहीं आता नहीं। लेकिन जब माल लगाते तो बॉडी पंप जल्दी होती है, पंप होगी 5वें 6वें रेप पे भरनी शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर गालियां खाओगे और लोग नहीं, गाली वाली क्या बात है, उसको गेम खेलना भाई उसका। अब एथलीट बनने जा रहा है, तैयारी है उसकी स्टेज चढ़ने की, तो उसमें तो करना पड़ेगा। तो जो रेसलर्स होते हैं ना, जो पहलवान होते हैं या एमएमए फाइटर होते हैं, वो कभी भी हमारे वाला माल नहीं लगाते, बॉडी बिल्डिंग वाला। उनको पता हमें लड़ना, हम थोड़ी देर लड़ेंगे, हमारे हाथ भर जाएंगे, नहीं हमारे उनके हाथ भर जाते हैं। अच्छा अच्छा, कुश्ती करेंगे थोड़ी देर, लड़ेंगे हाथ भर गए। अब कैसे लड़ेगा जब हाथ ही भर गए? तू बॉक्सिंग पैड पे हाथ घूसे बजा के देख, हाथ भर जाएंगे, 25-30 घूसे में हाथ भर जाएगा। तो उन्हें लड़ना 3 मिनट, 2-2 मिनट के 3 राउंड होते हैं, और एमएमए वालों को तो गिनती नहीं कितनी देर लड़ना, जब हाथ ही भर जाएंगे लड़े कैसे। तो उनका माल अलग होता है भाई, ऐसा नहीं है कि पहलवान नहीं लेते, एमएमए वाले नहीं लेते, हर स्पोर्ट्स में जितने भी स्पोर्ट्स हैं, कोई भी स्पोर्ट हो, ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन लेते हैं। लेकिन बॉडी बिल्डिंग हमारी ज़्यादा बदनाम है, क्योंकि ओपन है कि इसमें सारे को पता है कि भाई लेके ही बॉडी बिल्डर बनता है इंसान। तो ऐसा नहीं है, इज्जत सबकी है। अब ये ले रहा है तो आप तो कर रहे गाली खिलवाओगे, तो ले रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है मेहनत नहीं कर रहा। मेहनत करके देखो ना कोई आके, जब पता लगे भाई 150 रैप बोले 150 ही मारे अगले ने, तो मेहनत है ना यार, मेहनत भी तो है, खाली माल थोड़ी कुछ है। तो भाई इसको अभी 3 सेट और लगवाऊंगा, 15 से 18 मिनट में 1 सेट हुआ पूरा हमारा 5 एक्सरसाइज का। तो ऐसे ही 3 सेट और मारने, रात भर छोड़ूंगा नहीं। इसने कहा भाई टाइगर भाई चले गए, आप वर्कआउट करवाओ, तो मैं करवा के ही भेजूंगा आज ही से पूरा, ठीक है। तो भाई 3 सेट और करवा लूँ, वीडियो यहीं खत्म करेंगे, आप भी इसी को ट्राई करके देखना। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं है टक्कर में, बाय।